झरिया श्री श्री प्राचीन हनुमान मंदिर भौरा बाजार। असामाजिक तत्व के तीन युवकों के द्वारा पंडित जी का पुत्र सगुन पांडे के साथ मंदिर परिसर में घुसकर मारपीट करने लगे और शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे स्थानीय बाजार के लोगों में काफी आक्रोश दिखा। लोगों ने विरोध में बाजार को बंद कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर बाजार के लोगों का कहना था कि तीनों युवक असामाजिक तत्व क्या हैं। वे लोग मंदिर में घुसकर पंडित जी के पुत्र से मारपीट करने लगे और शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं इस घटना की तत्काल शिकायत भौरा पुलिस को दी गई। पुलिस तत्काल पहुंचकर दो युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई है। पीछे की तलाश जारी है। वहीं मंदिर कमेटी के लोगों का कहना है कि युवक मंदिर में तोड़फोड़ किए हैं, वे लोग इसकी मदद करें, विधिवत पूजा पाठ कर स्थापना करें, तभी हम लोग किसी भी हाल में छोड़ने वाले हैं। कोई कारण हम लोग अभी तक पता नहीं चला है। वो दो तीन जो लड़का है असामाजिक तत्व का लड़का है, उसका काम ही है झगड़ा करना, झगड़ा फसाद करना, और आज कोई मामला भी नहीं हम लोग को समझ में आया। पूरा आवाज़ मिला, हम दौड़ कर गए, देखे कि तीन लड़का रोनित यादव, रोहित कुमार और आदित्य कुमार, ये तीनों जाकर वहाँ मंदिर में हॉकी रेड और छड़ से लेकर के मंदिर को ध्वस्त चारों तोड़ फोड़ कर रहा है। पंडित जी के लड़का को मार भी रहा है, और जब हम देखे तो चिल्लाए कि तोड़ो, सब लोग दौड़े, जब सब दौड़े तब तक मंदिर को ध्वस्त कर चुका था, यहाँ तक मूर्ति को भी खंडित कर इसकी सूचना को दिक्कत दिया है। और लड़के दो लड़के गिरफ्तार भी हुए हैं। कौन कौन सा लड़के? रोहित आदित्य और रोहित कुमार, दोनों अरेस्ट भी। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? मांग कर